देखिए, सत रज तम जो तीन गुण हैं, वो तीनों हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनमें से दो हो और एक ना हो, वो तीनों होते हैं। हमारा चित्त, दरअसल जब दुनिया बन रही थी और जब ब्रह्म ने सारी जितनी भी आत्माएं थी सबको बुला के प्रेजेंटेशन किया कि ऐसे ऐसे एक हम लोग वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, और ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं आपके भाई, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो वहां पे बढ़िया लंच ऑर्गेनाइज किया गया और बड़ा प्रेजेंटेशन हो रहा था ऑडिटोरियम में, और सब अच्छा 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 बताया जा रहा। तो ऐसा कहते हमारे शास्त्र कि 89% जो सोल्स थी वो दुनिया में से ज्वाइन करने को तैयार हो गई। तो जो वहां पे अच्छा अच्छा बताया जा रहा था, और जैसे हम डिस्क्लेमर पढ़ते नहीं है ना, वो पॉलिसी वगैरह देखने के टाइम पे, उस टाइम पे भी हमने डिस्क्लेमर पढ़ा नहीं। हमने ये देखा नहीं कि जब हम तत्व अधिक होगा तो जानवरों की योनि में भी जाना पड़ेगा। हमने कहा हमारा क्या कंसर्न है यार, जिसको जाना पड़ेगा जिसको जाना पड़ेगा। और जब हम इस दुनिया में हैं सबके सब, तो हमारा सबका पिछले बार मृत्यु के समय हमारा सबका रज तत्व एक्टिव था, तो हम पुरुष बन गए, नारी बन गए, इस दुनिया में आ गए, ह्यूमन के रूप में आ गए। जिनका मरने के टाइम पे तम तत्व होता है वो थोड़ा निचली योनि में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं, और कीट पतंगे वगैरह बनते हैं, है ना, जानवर, एनिमल, रेप्टाइल वन, फ्लाइंग वन, है ना, मैमल्स, वो सब बनते हैं। और जिनका सत तत्व एक्टिव होता है वो देव योनि में चले जाते हैं। तो ये तीनों जो तत्व हैं ये हमेशा एक साथ एक्टिव रहते ही रहते हैं। तो जब एक्टिव रहते हैं तो सत भी होगा, रज भी होगा, तम भी होगा। और चित्त जब शुरू में था, हमें दिया गया था चित्त, तो बिल्कुल क्लीन था, बढ़िया फ्लैट, उसमें कुछ भी वेल फर्निश्ड, कोई आलतू फालतू का सामान था नहीं। ये आलतू फालतू का सारा सामान हमने बाद में भरा है इसमें, चित्तवृत्ति जिसको बोलते हैं पतंजलि। तो उस टाइम पे सब कुछ अच्छा अच्छा था, केवल एक अहंकार का हमें कंपोनेंट दिया गया कि जिससे हम सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सके, अपने को मान सके। तो वहां पे नाम मात्र को रज और आपका तम तत्व था, सारा सत तत्व था। उसके बाद जैसे 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 सत तत्व कम होता गया और तमस बढ़ता गया, रजस बढ़ता गया, जब ये 99% तमस हो गया तो हम विजिबल रेंज में आ गए। जैसे फिजिकल बॉडी हम एक दूसरे की देख रहे हैं, तो ये तम की दुनिया है बेसिकली। हम डाउन आते आते इतना डाउन आ गए कि अब हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं फिजिकली। जब आप मेडिटेशन करते हो और आप वापस जाते हो, तो आपको जो मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो तब आप क्या होते हैं, सटल बॉडी को देखने लगते हो। तो वो एक रिवर्स जर्नी होती है। कहने का मतलब, जान लीजिए, जब हम इस दुनिया में हैं अभी, तो बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और कर्म अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। और अगर हमारा रजस स्वभाव है, रजस स्वभाव है मतलब कि हम, हमारे रॉकेट में आग लगी हुई है कमाने की, क्योंकि आप जाओगे जब न्यूमरोलॉजी में, तो सारी दुनिया को पांच और छह चाहिए, सब ऐसे तम में फंसे हुए हैं, सबको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, जिम चाहिए, बॉडी चाहिए, मतलब हम तम तत्व इकट्ठा करके हर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा इस प्लेनेट पे बने रहें और अपना विकास, अपनी प्रोग्रेस ना करें, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो हमसे क्या होता है, जब तम तत्व इतना ज्यादा है तो ये क्या होता है, वृत्ति का मतलब समझते हैं आप, चित्त वृत्ति निरोधम इज योगा, जो कहते हैं पतंजलि। वृत्ति दरअसल वृत्त शब्द से बना है, वृत्त का मतलब होता है सर्किल, है ना। तो द विशियस सर्किल ऑफ लाइफ, 84 लाख योनि जिसको हम बोलते हैं, द विशियस सर्किल ऑफ लाइफ, तो इसमें चीजें रिपीट होती हैं। कैसे, आप ना पेन और कॉपी लेके लिस्ट बनाना, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके अंदर रजस तत्व आता है ना, तो वो लौट के आएगा 21 दिन बाद, 28 दिन बाद। जैसे लेडीज में मेंसुरल का रिपीट होता है, ऐसे ही मेल्स में भी होता है, इंटरनल रिपीट होता है। तो कोई भी जो आपकी भावनाएं हैं, जब अपने आप को बहुत आप नीचे फील करोगे, गंदे विचार आएंगे आपके अंदर, जब एकदम से आप ऐसा हो जाओगे जैसे मोक्ष को पाने वाले हो, तो ये वृत्तियां रिपीट होती हैं। इसमें किसी के अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है, ये सबकी सब रिपीट सबके अंदर होती हैं। जो लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं उनका लेवल अप हो जाता है ना। जिसने अपने तम को कंट्रोल किया और रज तप ज्यादा है, तो वो किसी कंपनी का मालिक बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। जिसमें सत तत्व ज्यादा है, उसने रज और तम जब आया तो कंट्रोल कर लिया, तो वो अच्छा स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। तो जो मजबूत है, जो कंट्रोल कर सकता है अपने मन को, वो डेफिनेटली ग्रो करता है, बाकी लोग नीचे जाते। तो जब हम इस पीरियड में काम करने में कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे, बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, क्योंकि हम सत तम और रज की रेंज में है ना। जिसे जो गुड है इवनिंग पतंजलि, सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, जिसे पतंजलि ना कहते हैं अपरा प्रकृति, जिसमें हम फिजिकल बॉडी में, एक होती है परा प्रकृति,
जब हम साम्यावस्था में हो जाते हैं गुणों की, जब हमारे अंदर सत रजतम एक निश्चित रूप में आ जाता है, और फिर कर्म अपनी मर्जी से करते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, है ना, अकर्म में कर्म जिसको बोलते हैं। तो जो 9 साल के बाद साइकिल रिपीट होगी, ये निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ चीजें गलत होंगी ही, है ना, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि काजल की कोठड़ी में आप कितने भी समझदार हो, थोड़ी बहुत कालिक तो लगती ही लगती है। तो आप कितने भी अच्छे सत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आपसे गलतियां तो होंगी, है ना। किसी को डांट दिया, कोई सबोर्डिनेट बदमाशी कर रहा है तो आपने डांट दिया, गुस्से में आपको लिमिट पता नहीं चली, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, नया कर्म पैदा हो गया। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, आप एकदम देखे यार ये तो क्या हो गया, जीएसटी क्या है, फलाना क्या है, आपने थोड़ी सी चोरी कर ली, वहां पे चीजें बचा ली, किसी को पक्का बिल नहीं दिया, तो बहुत सारे काम हम गलती से भी, मान लिया आप रिश्वत नहीं भी ले रहे हैं, आप गलत चीजें नहीं कर रहे, फिर भी आपसे काम हो जाते हैं। तो जो 9th ईयर आपका होता है वो ऑडिट का ईयर होता है, और वो आपकी उस हर चीज के लिए आपको चेकिंग चलती है, आपको जो अपना जो है वो बैकलॉग क्लियर करना होता है जो आपने 9 साल में किया, और ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर ऊपर वाले कि वो आपके साथ हो रहा है ऐसा, ये इकट्ठा हो गया और लास्ट में हुआ तो हमें से कोई नहीं झेल पाएगा। तो 9th ईयर को काफी डरावना सा लगता है ये पर्सनल ईयर में, क्योंकि ये किसी का अच्छा जाता नहीं, और 13 महीने का होता है, बाकी सब होते हैं 11 महीने के, तो 13 महीने का होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो इसको भी इंजॉय करिए, क्योंकि नेचर ना, नेचर बहुत ही, मैं आपको बताऊं कि जो ऊपर वाला है, जैसे आप कुरान में भी पढ़ते हो, हर जगह अपने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो बड़ा दयालु है और न्यायप्रिय है। दो दो है उसकी, कि एक तो वो इंसाफ को पसंद करता है, और वो बहुत जो है करुण हृदय है, दयालु है, वो बहुत मर्सीफुल है, तो आपको कोई सजा नहीं दी जाती, है ना। जब माँ बाप डंडे से पीटते हैं तो वो सजा नहीं होती है, वो बेसिकली क्या है कि आपको सही रास्ते पे लाने के लिए किया जा रहा है। करेक्ट अगर आपकी एनर्जीज पे आपका सेल्फ कंट्रोल है, तो आप देखेंगे कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, कोई दुख आपको नहीं मिलता, आप जिंदगी में राइज करते चले जाते हो। पर अगर आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, लस्ट पे कंट्रोल नहीं है, टेम्पटेशन आपको आता है पैसे कमाने का, मोह आपके अंदर है, तो फिर प्रकृति थोड़ा डंडा मारती है आपको बच्चे की तरह, तो उसे हमें लगता है कि अब हमारा एक खराब टाइम चल रहा है, हमें पनिशमेंट मिल रहा है, ये 8 नंबर हो गया, क्योंकि 8 नंबर का काम तो हिसाब करना है आपका, तो कोई नंबर बुरा नहीं है, पर हमें रास्ते पे लाने के लिए ईश्वर को, प्रकृति को, ऊपर वाले को ये करना पड़ता है, जिससे कि हम सही रास्ते पे चले। और अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो यकीन करिए कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, बिंदास होके सोए और खूब मस्ती करें जीवन में, क्योंकि जो सत तत्व होता है उसका आउटपुट होता है हमेशा सुख, जो रज तत्व होता है उसका आउटपुट हमेशा होता है दुख, जो तम तत्व होता है उसका आउटपुट हमेशा होता है मोह और रिपीटेशन इन द क्रिएशन। सिस्टम ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि किसी से नींबू कटवा के और उसे बोलो कि कल से तेरे पास पैसा बहुत आने वाला है। न्यूमरोलॉजी सीखने का मतलब ये है कि जब आप सही चल रहे हो, जब आप सब कुछ सही कर रहे हो, जब आप सही रास्ते पे हो, तो आपका नाम परिवर्तित करके, आपके नंबर्स लाइफ में, आपका मकान नंबर, गाड़ी नंबर, कंपनी नेम, लोगो, एटीएम पिन, फोन, ये सारी चीजों को अलाइन करके आपको ऐसा किया जाए कि आपकी जो गाड़ी है वो फर्राटेदार चले, मतलब बीच में अटके नहीं कहीं। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्ट किसको करेगा, सही चलने को सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत सलत करते रहिए और न्यूमरोलॉजी आपको धनवान बना देगी, जैसे ड्रामे आप देखते ही हो यूट्यूब पे और चारों तरफ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर लोग ये कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं हो रहा, होगा उसी का, जो सही करेगा उसी के साथ सही होगा। ठीक है, तो वो 9th ईयर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।